आपकी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए पांच फूड आइटम्स में बताने वाला हूं। वहां आप रेगुलरली लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी सेक्स पावर बढ़ सकती है, और इजैकुलेशन का प्रॉब्लम जो है, जल्दी निकल जाना, वो भी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। जो पांच आइटम्स मैं बताने वाला हूं, जो फूड आइटम्स है, वो हमारे रोज के खाने में भी हम ले सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। मेन बात तो, क्योंकि हम जब दवा लेते हैं एलोपैथी की, तो उसमें काफ़ी सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं और वो लोगों को नहीं होना है। जैसा किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो उसने वो सिल्डेनाफिल नहीं लेना चाहिए। तो फिर सवाल ये आता है, फिर नेचुरली क्या हम खाएं कि जिससे एक स्टेमिना अच्छा बना के रहेगा, सेक्स पावर बढ़ेगा और सेक्स लाइफ एंजॉयबल रहेगा। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अध्ययन और महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे पहले नाम लूंगा मैं डार्क चॉकलेट का। डार्क चॉकलेट में फिनाइल एथिलामिन रहता है। डार्क चॉकलेट हम लेते हैं तो उससे फिनाइल एथिलामिन से स्पेशली सेरोटोनिन लेवल ब्रेन की बढ़ती है, और सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन लेवल जब बढ़ती है तो उससे प्यार, मोहब्बत, सेक्स इंटरेस्ट, मतलब वो उसको लव हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, प्यार का हार्मोन, तो उससे वो एक फीलिंग अच्छी आती है। तो इसलिए डार्क चॉकलेट जो है वो हमने लेना चाहिए, जिससे फायदा होता है। नंबर एक डार्क चॉकलेट। नंबर दो अनार। अब लोग अनार जो है ना, तो अनार के दाने आप लेते तो अच्छा है, मतलब एक मुट्ठी भर दाने आप रोज खाते हैं अनार के दाने, तो उससे बहुत फायदा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पॉलीफेनॉल्स रहते हैं और पॉलीफेनॉल्स से भी, मतलब उसमें एंटीऑक्सीडेंट है और पॉलीफेनॉल्स वायग्रा जैसे काम करता है। जैसा वायग्रा जब आप लेते हैं तो खून की जो नलियां रहती है वो मोटी होती है ना पेनिस की, तो ये अनार के जो दाने हैं वो खाने से उसमें वायग्रा जैसा काम करता है और उससे इरेक्शन आने में, लिंग कठोरता में फायदा होता है। नंबर तीन जो है डेट्स, खजूर। खजूर में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं। यदि आप दो खजूर रोज रात को दूध में भिगो के रखते हैं और सुबह उठ के खा लेते हैं, दो खजूर, सिर्फ दो खजूर रोज आपको भिगो के रखना है मिल्क में, दूध में, और वो लेते हैं सुबह खाते हैं और दूध भी पी लेते हैं वो, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नंबर चार पम्पकिन सीड्स, मतलब कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में जिंक और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जिसके टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने में फायदा होता है और इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ जाती है, तो वो फायदे के पम्पकिन सीड्स। आप दो चम्मच पम्पकिन सीड्स, आप समझो दो चम्मच फ्राई करके भी लेते हैं और खाते हैं तो उसे बहुत फायदा हो जाएगा। पांच है बादाम, उसमें विटामिन ई ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, और आप रात को पांच बादाम पानी में या दूध में भिगो के रखते हैं और सुबह उठ के पांच बादाम यदि आप सुबह खाते हैं रोज, तो उससे आपको हार्मोन्स बढ़ने में फ़ायदा होगा, सेक्स हार्मोन्स बढ़ेंगे और डोपामिन सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ती है बादाम से, और उससे सेक्स में फ़ायदा होता है। तो ये पांच फूड आइटम्स आप रेगुलरली लेते हैं तो जिसका फ़ायदा आपको इरेक्शन में हो जाएगा और सेक्स पावर काफ़ी बढ़ सकती है। तो ये ज़रूर आप इसका इस्तेमाल करो। डेढ़ महीने तक ये पांचों चीज आपने रोज खाने का है, डेढ़ महीने तक आप लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा हुआ वो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।